छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका। बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे। अमरकंटक दे विच जिहड़ा स्थान गुरु नानक देव जी का है, उस गुरुद्वारा साहब के रस्ते विच ही असी सीगे ते अचानक असी वेख्या कि एक स्थान जिदे विच लिखिया सी कबीर साहब दी, इत्थे एक स्मारक है, वो स्थान है जिथे कबीर साहब आए सीगे। आके हुण देखने आ, जाने आ इस स्थान का की इतिहास है। हो सकता है कि शायद इस स्थान का भी इतिहास कोई गुरु नानक देव जी नाल संबंधित होवे। आके पुछने आ ते जांच पड़ताल करने आ। करम हर मेरे। कदी कदी इतिहास तुहाड़े सामने आप उजागर होंदा है, जिस स्थान ते असीं इस वक्त खलोते हैं क्या कबीर मठ, सानू नहीं पता सीगा है वो स्थान है जिथे गुरु नानक देव जी कबीर जी नूं मिले सीगे। मेरे राम वो स्थान है जिथे कबीर साहब जिस वक्त जगन्नाथपुरी जा रहे सीगे ते इस स्थान ते रुके सी। बख्श अवगण सब मेरे। इस स्थान ते एक चबूतरा है जिन्हों कबीर चबूतरा कहिंदे ने, जिथे कबीर जी ने सत्संग किया सीगा, उन्हां नाल धर्मदास जी भी नाल आए सी मथुरा तो। उपरांत उत्ते एक बहुत बड़ा वृक्ष हैगा, उहदे थले एक स्थान है जिन्हों की कबीर वट कहिंदे ने, उस स्थान ते बैठ के गुरु नानक देव जी नाल कबीर साहब मिले सीगे, ऐसा इतिहासकार दसदे ने। ते इत्थे जिहड़े लोग ने उन्हां दा भी यही कहना हैगा, बहुत सारे लोगों नूं असीं मिले ते उन्होंने भी यही गल की कि कबीर साहब जिहड़े ने वो गुरु नानक देव जी नूं मिले सी। सो इतिहास विच इह ते एस्टैबलिश हो गया कि कबीर साहब जी गुरु नानक देव जी नूं मिले सी। स्थान दे बारे जिस स्थान ते असीं खलोते हैं यही उस स्थान है जिथे कबीर साहब मिले सी। आओ तुहानूं उस वृक्ष दे भी दर्शन कराने हैगे आ। वो किहड़ा पुरातन वृक्ष है जिहड़ा इन्ना पुराना हो चुका है कि वह पेड़ खत्म हो गया, उहदी जटावां ही जटावां तुहानूं नज़र आउंदियां ने जिहड़ी कि जमीन दे अंदर दसियां होईयां ने। एक होर इत्थे बड़ा इतिहासिक स्थान हैगा, वह इत्थे कुंड है जिहदे अंदर वह कहिंदे ने कि दुध की धारा निकलती हैगी। आओ तुहानूं उस स्थान दे भी दर्शन कराने आ, ते नाल इत्थे कबीर जी दी खड़ावां भी पईयां ने, आओ तुसीं उहदे भी दर्शन करो। जिस पानी दे कुंड दे करीब मैं खलोता हैगा, इस मठ दा ऐसा स्थान है जिन्हों कि इतिहासिक मनते ने, ते इत्थे कहिंदे ने कि यह दुग्ध धारा इत्थे हैगी। इत्थे सफेद रंग दा कुछ तुसी देख सकते हैगे, थलों कुछ कई कलर दा पानी निकलदा हैगा जिहड़ा कि मैनूं पूरी तरीके नाल हले समझ नहीं आया, क्योंकि यह लग रहा इस तरह का जिस तरह की कोई वनस्पति होए, कोई फंगस होए, उस तरीके का है। पर इत्थे लोग कहिंदे ने कि सवेरे 6 बजे इत्थे पानी दे चों दुध वर्गी तारा निकलती हैगी। सो इन्हां दा बिलीफ हैगा, जिहदे बारे च कोई टिप्पणी करना योग नहीं होएगा, पर जो असीं देख रहे हैं तुहानूं दस रहे हैं। सो दुग्ध धारा दे नाते प्रचलित यह वो कुंड हैगा जिहड़ा कि तुसीं देख सकते हैगे हो, ते यह काफ़ी पुराना है, तकरीबन 500 साल पुराना जिहड़ा कि इत्थे दे लोग मनते ने। गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा, बख्श अवगण सब मेरे। वाहे गुरु, वाहे गुरु। ए ओ इतिहासिक ते पुरातन वृक्ष है जिहड़ा तुसी पिछे देख रहे हो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ए जिहड़ा पेड़ हैगा एदा मेन तना देखण नूं नज़र नहीं आ रहा, ते जिहड़ी एदी लटां हुंदियां ने जिहनूं उत्तों तुसी देख सकदे हो, उत्तों थल्ले आ रहियां ने, ओ इन्नी मोटियां मोटियां ने कि ओ जमीन दे अंदर तसदियां जा रहियां ने। इत्थे दा कहना हैगा कि यह तकरीबन 500 साल तो भी ज़्यादा पुराना पेड़ हैगा। जिहड़ा झंडा तुहानूं नज़र आया हैगा, उस झंडे दे थले जिहड़ा स्थान है, यह वो स्थान है जिथे बैठ के कबीर जी ते गुरु नानक देव जी ने आपस में बैठ के गल्लां बातां कीतियां सीगियां, ते धर्म दा ज्ञान एक दूजे नाल वंडिया सीगा। सूरज निकलिया जो कर सूरज निकलिया। तो यह काफ़ी इतिहासिक स्थान है, इत्थे लोग बहुत मनते ने, लोग दूरों दूरों इत्थे आते हैं। सानू हले भी काफ़ी सारे लोग पंजाब तो मिले जिहड़े इत्थे आए सीगे। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी सुध जग चानण हो। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी सुध जग चानण हो।
जिहड़े बंदे गुरुद्वारा अमरकंटक साहब जाके दर्शन करदे ने वह बंदे इत्थे भी आंदे ने दर्शन करन वास्ते इत्थे मठ दे जिहड़े करता तरता सी ऐसा उन्होंने सानू दस्या। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओ कमरा या ओ धार्मिक स्थान है पूजा का स्थल जिथे कि इन्हों का मूर्ति पई है कबीर जी की, कुछ फोटोग्राफ्स इतने पईया ने, ते नाल ही एक खड़ाओ पई हैगी जिहड़ा कि इन्हों का मनना हैगा कि वह खड़ाओ जिहड़ी हैगी ओ कबीर जी की है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।